ब्रॉड स्टेडियम। वहाँ पे क्या कोई फुटबॉल मैच होने वाला है? वहाँ पर दूसरा ही खेल होता है जनाब, देखकर बड़ा मजा आएगा। फुटबॉल मैच के बारे में पता नहीं, लेकिन अब्बू नजीर के आदमी वहाँ मिलने वाले हैं। कम ऑन सिरान। मरने का बहुत शौक है जो बार बार चले आते हो। बहुत खेल हो गया, अब काम की बात कर ले। खोलो। Al Jazeera News Network. Firstly, we'd like to know how long you've been held hostage here, and is there any message you'd like to give any of your embassies? Yes, we've been here for 4 days. We just don't know what to do. We really need your help. यह अबू नजीर का पैगाम है दुनिया के सारे मुल्कों के लिए। फतेह हमारी होगी। अबू नजीर का कहर आसमान से आग बनकर दुश्मन के शहर पर गिरेगा। कौन सा शहर? कौन से शहर को निशाना बनाना चाहते हैं? बहुत जल्द तुम्हें और बाकी सब काफिर को पता चल जाएगा। इराक और अफगानिस्तान पर हमले के लिए अबू नजीर कैसे इंतकाम लेता है। तुमने क्या सोचा था? जिसके लिए हजारों लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं, उसके खिलाफ गद्दारी करके तुम बच जाओगे। कतारी का एक ही अंजाम है मौत।
हुसैन अल जौहरा का सबसे अच्छा जर्नलिस्ट था, पर उससे ज्यादा और पहले हम सबका दोस्त था। सच का एक वफादार सिपाही था जो शहीद हुआ है। सच का जुनून ही उसे अल जौहरा में लेकर आया। सच की तलाश में वो अफगानिस्तान के मैदान जंग में बेखौफ होकर गया, और आज जब वो अल्लाह ताला से मिलने गया, तो सिर्फ सच उसके दिल में है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अल जौहरा के उसके तमाम साथियों की तरफ से हम कसम खाते हैं कि हॉल ऑफ मार्टर्स में उसकी तस्वीर एक जिंदा मिसाल बनकर रहेगी। अल जौहरा तुम्हें हमेशा याद रखेगा ओवेज हुसैन, और दुनिया को हम भूलने नहीं देंगे। मिस्टर सागर, योर लाइफ इज इन डेंजर। Little careful, Mr. Sagar. यहां जरा सभी ध्यान हटा तो जान भी जा सकती है। तुम हो कौन और मेरा नाम कैसे जानते हो? ये वाला। मैं ये भी जानता हूं कि ओवेज हुसैन को क्यों मारा गया। टेररिस्ट किसी को क्यों मारते हैं? क्योंकि वो टेररिस्ट है। तुम्हें क्या लगता है ओवेज हुसैन अकेला अल जौहरा का रिपोर्टर था जो मारा गया? मतलब इमरान बेग, सीनियर रिपोर्टर, लेबनान के कार बम में मारे गए। जावेद खान और एजाज अहमद बगदाद की होटल की छत से सीधा नीचे, और खुर्शीद आलम को तो चाय में जहर मिलाकर मार दिया गया। ये सब अल जौहरा के रिपोर्टर्स थे, और सब अल जौहरा छोड़ना चाहते थे, पर अफसोस अब तक वहीं लटके हुए उनके हॉल ऑफ मार्टर्स में। लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ओवेज हुसैन भी अल जौहरा छोड़ना चाहता था, उसने तुमसे कहा था ना। तुम अल जौहरा छोड़ने वाले हो? ऑफ कोर्स। लेकिन बॉस को बता दिया? बॉस को बताने की क्या बात है यार, सारे मिलते नौकरी पर आना ही छोड़ दूंगा, खुद बखुद पता चल जाएगा। जब भी किसी रिपोर्टर ने अल जौहरा छोड़ना चाहा है, वो दुनिया छोड़ गया, और अब भी उस हॉल ऑफ मार्टर्स में बहुत जगह बाकी है मिस्टर सागर। लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? अल जौहरा वो नहीं जो तुम समझ रहे हो विकास। hey, विकास, अकेले क्या कर रहे हो वहां? मैं अकेला गाऊ, मैं तो कमान ऑपिन, आई थिंक यू फॉर राइट, कमान। या ओके, maybe me.
अलजोरा कॉरेस्पॉन्डेंट डेट इन कार बॉम्ब एक्सप्लोजन। कार बॉम्ब से मरे किडनैप करके सर काट दिए गए, पर सब में सिर्फ एक बात कॉमन है, सब अलजोरा रिपोर्टर्स थे और सब के सब मारे जा चुके हैं। वो जो भी था सही कह रहा था। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? हॉरोस्कोप। क्या लिखा है? अब्रॉड जाऊंगा, अच्छा जॉब मिलेगा, जल्दी प्रमोशन होगी, नए दोस्त भी बनेंगे, रोमांस का भी चांस है सर, सब कुछ माइंड ब्लोइंग, मेरा तो गोल्डन पीरियड चल रहा है। yeah? बस यही सोचता हूँ कि थोड़ा सा लक मैं ओइस को दे देता तो। ओइस को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है, मैं समझ सकता हूँ। ओइस हमारा भी हीरो है, मैंने उसकी फोटो हॉल ऑफ मार्टर्स में लगा दी है। सी यू अराउंड। विकास को कुछ पता है सर? मेरे इंडिया ऑपरेशंस मेरे लिए बहुत जरूरी हैं ज़हीर। किसी भी तरह उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई नीड हिम। यस सर। बस के अंदर 50 से भी ज्यादा किडनैप पैसेंजर्स, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उनके पीछे छिपे हुए टेररिस्ट। क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इसका पता नहीं लगाया जा सका है। मैम पीछे देखिए,